पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपके पास मात्र 10 दिन और शेष बचे हैं दोस्तों। 31 मार्च 2023 की डेट है जो कि लास्ट डेट है। आपको इस डेट तक अपने पैन को आधार से लिंक करा लेना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बहुत तेज़ वायरल हो रही है कि पैन और आधार को लिंक करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना है, फ्री में हो रहा है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा कि क्या ये न्यूज़ कहां तक सच है, कहां तक सच नहीं है, किसे चार्जेस देना है, किसे चार्जेस नहीं पे कर रहे हैं। आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द मौर्य एप्टी क्लासेस में, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, यदि आपको भी किसी प्रकार का मैसेज या वीडियो रिसीव हुआ है कि पैन आधार की लिंकिंग फ्री में हो रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है। आपको इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। अपने पैन और आधार को 31 मार्च तक जरूर से आप 1000 रुपये की पेनाल्टी पे करके लिंक करा लें, क्योंकि यदि 31 मार्च 2023 तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। फिर उसको ऑपरेटिव कराने के लिए आपको चार्जेस पे करने होंगे, जो कि हो सकता है कि 1000 रुपये से ज़्यादा हो। पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आना है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिंक आधार स्टेटस और दूसरे वाले ऑप्शन में है लिंक आधार। तो सबसे पहले आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपको पहले ये चेक करना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको लिंक आधार स्टेटस पे आपको क्लिक कर लेना है। यदि अपने आधार का स्टेटस आपको चेक करना है कि पैन से लिंक है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो पैन नंबर इंटर करना होगा और आधार नंबर इंटर करना होगा। इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैन नॉट लिंक विथ आधार। जब मैंने पैन और आधार को इंटर किया नंबर, तो यहाँ पर मेरा पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है। तो इसके लिए लिंक आधार पर क्लिक करना है। जब लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है अपना, और यहाँ पे आधार नंबर डालना है। दोस्तों, पैन और आधार नंबर डालने से पहले आपको ये चीज़ भी देखनी है। यहाँ पे देखिए, फीस 1000 रुपीज़ का यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जो लोग ये मैसेज फैला रहे हैं कि पैन और आधार की लिंकिंग फ्री में हो रही है, तो बिल्कुल ही वो फेक न्यूज़ है। 1000 रुपये की पेनाल्टी यहाँ पर देखिए लिखी हुई है पैन को आधार से लिंक कराने के लिए, और यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ कि किन्हें पैन से आधार को लिंक कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई NRI है, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन है, सिटीजन इंडिया का नहीं है, तो उसे पैन को आधार से लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जिसकी एज 80 साल के ऊपर है, तो उसे भी ज़रूरत नहीं है। यदि कोई पर्सन आसाम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करता है, तो उसे भी पैन को आधार से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों, पैन को आधार से लिंक करने के लिए के बाद आपको 4 से 5 दिन का वेट करना है, विच मीन्स कि 1000 रुपीज़ का पेमेंट करने के बाद आपको 4 से 5 दिन का वेट करना है ताकि आपका पैन और आधार लिंक हो सके। तो यहाँ पे पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। तो वैलिडेट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। इस पैन नंबर के लिए कोई भी पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो अब हमें पेमेंट करना है ई पे टैक्स के थ्रू। तो हम यहाँ पे कुछ देखिए कंडीशंस को एक बार पढ़ लें। यहाँ पर जैसे ये 1000 रुपीज़ का जब आप पेमेंट थ्रू ई पे टैक्स पे करें या फिर NSDL से आप करेंगे, तो ये जो पेमेंट 1000 रुपीज़ का है, ये नॉन रिफंडेबल है। किसी प्रकार का कोई एरर हो जाता है तो आपका ये पेमेंट आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरा है कि सबमिट आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट ऑन ई फाइलिंग पोर्टल वंस द पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो यदि पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आप पैन आधार को लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट ई फाइलिंग पोर्टल पे भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको 4 से 5 दिन तक का वेट करना है जिससे कि आपका पैन और आधार लिंक हो सके, क्योंकि जब ये पेमेंट रियलाइज हो जाएगा उसके बाद आपका आधार और पैन दोनों को लिंक कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक बार फिर से अपना पैन नंबर इंटर करना है, फिर पैन को कंफर्म करना है और यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों, एक चीज़ और है कि ई पे टैक्स के थ्रू यदि आप पेमेंट करते हैं तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ओवर द काउंटर या नेफ्ट RTGS या पेमेंट गेटवे फॉर दीज बैंक्स। तो यहाँ पर देखिए बैंक की पूरी लिस्ट दी हुई है, आप इसमें से किसी भी बैंक के गेटवे पर जाकर के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इस लिस्ट में वो बैंक नहीं है अवेलेबल, तो आप
प्रोटीन एनएसडीएल की वेबसाइट पे जा करके भी वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस लिस्ट में नहीं है और आप चाहते हैं कि इसमें से ही हमारा पेमेंट हो, तो आपको फिर उस केस में एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके ही पेमेंट करना होगा। इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा और आपको यहाँ पर ओटीपी इंटर करके अपना ये वेरिफिकेशन कराना है और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में देखिए 5 प्रकार के ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। नेट बैंकिंग आ रहा है। नेट बैंकिंग में क्या है कि यदि आपका ये जितने भी बैंक हैं, यदि इसमें से आपका यदि बैंक मैच करता है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेंगे और यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस या फीस एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही डेबिट कार्ड में भी आप इन चारों बैंकों में से आपका कोई बैंक है तो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, पे एट बैंक काउंटर यानी कि बैंक में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि जिनके ऊपर सेक्शन 44A भी एप्लीकेबल होता है, जो ऑडिट में आते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। RTGS नेट से भी हो सकता है। पेमेंट गेटवे ऐसे लोगों के लिए है जिनका कि नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड में बैंक मैच नहीं करता है, तो ऐसे लोग पेमेंट गेटवे पे आकर के चाहे केनरा बैंक के गेटवे से, फेडरल बैंक के गेटवे से या कोटक महिंद्रा बैंक के गेटवे से आके अपना जो भी 1000 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको दिखेंगे जो कि 1000 रुपये में आपको ऐड होकर के आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे केनरा बैंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स आप आएगी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, फिर पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टर्म्स कंडीशंस आपको यहाँ पे देख लेना है एक बार, और देखने के बाद टर्म्स कंडीशंस एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट टू द बैंक पे क्लिक कर देना है आपको, तो ये आपको पेमेंट गेटवे पे पहुंचा दे। केनरा बैंक के पेमेंट गेटवे पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट दिख रहा है और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और अपना जो कार्ड पे नाम होता है वो इंटर करके आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना। तो प्रोसीड बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी। अमाउंट 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है, क्योंकि मेरा बैंक केनरा बैंक है इसलिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ आ रहा है। यदि आप किसी अदर बैंक से करेंगे तो हो सकता है कि ट्रांजेक्शन चार्जेस इसमें ऐड करके आए। और यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, आपको यहाँ पे OTP इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। दोस्तों यहाँ पे देखिए चालान पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है और यहाँ पे लिख रहा है आप चाहें तो इस चालान को डाउनलोड भी करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अब आपको आधार और पैन लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, तो आप यहीं से लिंक आधार पे क्लिक करके अपना रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यदि आप ई पे टैक्स के थ्रू यदि आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट जल्दी रियलाइज हो जाता है और अपना रिक्वेस्ट आप इजीली सेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपना पैन नंबर और आधार यहाँ पे इंटर करेंगे। आधार पैन जब आप लिंक करते हैं तो यहाँ पे मैसेज आता है कि योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज़ कंटिन्यू टू प्रोसीड विद द सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करना है और यहाँ पे अपना डिटेल आप मैच करा लीजिए जो आपने डाउनलोड किया था, चालान का सीरियल नंबर, BSR कोड, अमाउंट और डेट ऑफ पेमेंट, ये इसको मैच करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नेम एज पर आधार इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहाँ पे आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। तो यहाँ पे अब आपको आधार नंबर, ये नेम और मोबाइल नंबर डाल करके आपको वैलिडेशन पे क्लिक करना है ताकि आपका ये आधार नंबर क्या हो सके, वैलिडेट हो सके। इसके बाद ये सारी डिटेल इंटर करने के बाद आपको लिंक आधार पे क्लिक करना है। जब लिंक आधार पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, जो OTP आपको यहाँ पे इंटर करनी है। इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू UDI फॉर वैलिडेशन। तो वैलिडेशन के लिए आपका डाटा जो है आधार पे सेंड कर दिया गया है और आपको इसका स्टेटस कुछ देर के बाद चेक करना है होम पेज पे, लिंक आधार स्टेटस पे चेक करना है। अब हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस पे आपको क्लिक करके कुछ देर के बाद आपको चेक करना है कि स्टेटस क्या बता रहा है।